आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम कंसिलिएशन के बारे में बात करेंगे। हम कंसिलिएशन के जनरल मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ADR के ऊपर ये हमारा तीसरा लेक्चर है। अपने अब तक के वीडियोस में हमने ADR के बेसिक मीनिंग को समझा। हमने ये जाना कि why there is need of ADR in judicial system। हमने different modes of ADR को जाना। हमने जाना कि ADR के 5 modes हो सकते हैं, arbitration, conciliation, mediation, negotiation and लोक अदालत। हमने arbitration के meaning को detail में समझ लिया है। आज के इस वीडियो में हम second mode of ADR which is conciliation इसके ऊपर discussion करेंगे, ठीक है? तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हो तो कंसिलिएशन क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखो, ADR में जितने भी मोड्स हैं उन मोड्स में से एक है हमारा कंसिलिएशन, राइट? तो कंसिलिएशन इज द मोड ऑफ ADR। कंसिलिएशन इज अनदर मैकेनिज्म ऑफ ADR। और कंसिलिएशन के जो प्रोविजंस हैं वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के पार्ट 3 सेक्शन 61 से लेकर के 81 तक है। तो हम कह सकते हैं कंसिलिएशन इज अनदर मैकेनिज्म ऑफ ADR एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंसिलिएशन has been given under part 3 starting from section 61 to 81। yani ye jo 20 sections hain वो डील करेंगे कंसिलिएशन और उससे रिलेटेड प्रोविजंस के साथ। अगर हम सेक्शन 61 को देखें तो सेक्शन 61 क्या कहता है? द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 डज नॉट प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ द टर्म कंसिलिएशन। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में कहीं भी कंसिलिएशन को डिफाइन नहीं किया गया है। सेक्शन 2A आर्बिट्रेशन को डिफाइन करता है। अगर हम कंसिलिएशन के लिटरल मीनिंग को समझें तो कंसिलिएशन का मतलब है फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप। फिर चाहे वो रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हो या नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल हो। बेसिकली जब दो पर्सन्स किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उनके बीच जो रिलेशनशिप अराइज होता है वो लीगल रिलेशनशिप होता है। तो कंसिलिएशन क्या है? इट इज़ अ
फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, दो पर्शंस अपने डिस्प्यूट को एक दूसरे के बातों को समझते हुए फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कराते हैं, फिर चाहे उनके बीच का जो रिलेशनशिप हो वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, यानी जो डिस्प्यूट है वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुआ है या नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट था। तो व्हाट इज कंसीलिएशन? इट इज फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप। Whether contractual or not, conciliation is one of the means of resolving disputes. However, all the disputes may not be subjected to conciliation. ठीक है, तो conciliation में बेसिकली दो पार्टीज अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराती हैं, हालांकि सभी डिस्प्यूट्स कंसिलिएशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं कराया जा सकता है। इन कंसिलिएशन द पार्टीज हैव फ्रीडम टू अडॉप्ट देयर ओन प्रोसीजर फॉर नेगोशिएशन एंड रीचिंग सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अब समझो क्या कह रहा है, इन कंसिलिएशन, कंसिलिएशन को हिंदी में सुलह कहते हैं, सुलह कराना दो लोगों के बीच। और जब सुलह होता है किसी डिस्प्यूट का, तो कुछ बातें एक पार्टी रखता है और कुछ बातें दूसरा पार्टी रखता है। कुछ उसकी बातें मानी जाती हैं, कुछ दूसरे पर्सन की बातें मानी जाती हैं, और उस पॉइंट पर पहुंचा जाता है जिस पॉइंट पर दोनों क्या हो, अग्री हो जाए कि हाँ ये चीज़ मुझे भी मंजूर है, ये फैसला मुझे भी मंजूर है, ये फैसला तुम्हें भी मंजूर है। इट इज़ व्हाट, इट इज़ बेसिकली फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इन कंसिलिएशन द पार्टीज हैव द फ्रीडम, द पार्टीज have the freedom to adopt their own procedure, किस procedure के through वो अपने dispute को resolve कराएंगे, किस तरह से अपने dispute को resolve कराएंगे, कितने persons होंगे वहाँ पर जो उनके disputes को resolve कराएंगे, कौन person उनके तरफ से होगा, कौन पर्सन दूसरे पर्सन के तरफ से होगा। तो दे हैविंग द फ्रीडम टू अडॉप्ट देयर ओन प्रोसीजर ऑफ नेगोशिएशन, ओन प्रोसीजर ऑफ नेगोशिएशन इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट राइट। तो यहां पे नेगोशिएशन का मतलब है दोनों पार्टीज जिनके बीच डिस्प्यूट है वो दोनों पार्टीज क्या करें, डिस्कशन करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, राइट, और उस पॉइंट पर पहुंचे जो दोनों के लिए क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। दिस इज नोन एज नेगोशिएशन। So what is conciliation? Conciliation is another mechanism of ADR, and provisions relating to conciliation has been given under Part 3 of Arbitration and Conciliation Act 1996, starting from Section 61 to 81. It is friendly
सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज, वेदर सच लीगल रिलेशनशिप इज ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर. इन कॉन्सिलिएशन द पार्टीज हैव द फ्रीडम टू अडॉप्ट देयर ओन प्रोसीजर ऑफ negotiation in settlement of dispute, right? चलिए ये था conciliation. अब हम arbitration की तरह ही conciliation को 8 points के माध्यम से समझेंगे. Now, conciliation in 8 points. 1, 2, 3, 4. Conciliation in 4 points. आप अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो अगर आपको conciliation का मतलब पता है तो. ठीक है, तो 4 पॉइंट्स के माध्यम से हम कंसिलिएशन को समझने की कोशिश करेंगे. इट इज एन एडीआर मैकेनिज्म वेयर इम्पार्शियल थर्ड पर्सन एंड दैट पर्सन इज नोन एज कंसिलिएटर. आर्बिट्रेशन में जिस पर्सन के सामने दो पार्टीज अपने डिस्प्यूट्स को ले जा रही थी, अगर वो पर्सन सिंगल पर्सन है तो वो आर्बिट्रेटर कहलाता था. इफ देयर इज पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स तो उन पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स को एक साथ हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते थे. कंसिलिएशन में जिस इम्पार्शियल थर्ड पर्सन के सामने पार्टीज अपने डिस्प्यूट को लेकर जाएंगी, उस पर्सन को हम कहेंगे कॉन्सिलिएटर, सुलहकर्ता. ठीक है, दिस कंसिलिएटर, दिस सुलहकर्ता असिस्ट द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट इन रीचिंग म्यूचुअली सैटिस्फैक्टरीली अग्रीड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. ठीक है, तो पहला इट इज एन एडीआर मैकेनिज्म. It is an ADR mechanism where an impartial, third person, जिसे हम conciliator कहते हैं, where an impartial third person who is called as conciliator assists the parties, parties को help करता है, assists the parties in reaching, ध्यान दो, in reaching mutually mark these words, in words को आप highlight कर लो, mutually agreed satisfactorily settlement of disputes तो यहां पर जो conciliator है वो parties को help करता है, parties को मदद करता है कि parties उस point पर पहुंचे जिस point पर दोनों क्या हो, राजी हो जाए, अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा लें, उस पॉइंट को दोनों पार्टीज एक्सेप्ट कर लें. तो हियर कंसिलिएटर इज नॉट गोइंग टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बट हेल्प्स द पार्टी इन रीचिंग म्यूचुअली अग्रीड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. ठीक है, कंसिलिएशन इज लेस फॉर्मल देन आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन से भी लेस फॉर्मल होता है कंसिलिएशन.
आर्बिट्रेशन इज लेस फॉर्मल देन ट्रायल, कंसिलिएशन इज लेस फॉर्मल देन आर्बिट्रेशन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आर्बिट्रेशन में जिस प्रोसीजर को यूज किया जाता है, कंसिलिएशन में उस प्रोसीजर को यूज नहीं किया जाता है? इट इज वेरी मच शॉर्ट टेकिंग प्रोसीजर। कंसिलिएशन में एक शॉर्ट स्टेप होता है, दोनों पार्टीज को हेल्प किया जाता है कि कुछ तुम मान जाओ, कुछ बातों को तुम मान लो और आपस में मिलजुल के डिसाइड कर लो और अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा लो। तो आर्बिट्रेशन से भी कम फॉर्मल है कंसिलिएशन, क्योंकि कंसिलिएशन में रिजिड प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता। तो इट इज लेस फॉर्मल देन आर्बिट्रेशन, इट इज लेस फॉर्मल देन आर्बिट्रेशन। Parties are free to adopt or reject the recommendations of conciliator. जो सुलह करता है, जो conciliator है, उसके recommendations को accept या reject करने के लिए parties free हैं। Parties are not bound to accept the recommendations of कंसिलिएटर। लेकिन आर्बिट्रेशन में जो पार्टीज हैं वो आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के डिसीजन को मानने के लिए बाध्य हैं। यानी हम ये कह सकते हैं डिसीजन गिवन बाय आर्बिट्रेटर हैज बाइंडिंग फोर्स अपॉन द पार्टीज, वेयर एज कंसिलिएटर डिसीजन और रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज। पार्टीज फ्री हैं कंसिलिएटर के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस हो गया। पार्टीज आर फ्री आइदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशंस given by conciliator। और लास्ट क्या है, however if both the parties accept the settlement then documents drawn by conciliator is final and binding on both। और लास्ट में कह रहा है अगर parties conciliator के सुलहकर्ता के recommendations को मान लेती हैं तब वो binding होगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स कंसिलिएटर ड्रॉ करेगा वो क्या होगा, फाइनल होगा और दोनों ही पार्टीज के ऊपर बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो लास्ट में, हाउएवर इफ बोथ द पार्टीज एक्सेप्ट द सेटलमेंट देन डॉक्यूमेंट्स ड्रॉन बाय कंसिलिएटर इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ। लास्ट कह रहा है कंसिलिएशन इज यूज्ड टू सेटल एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स। एक मिनट, चलो फोर्थ पॉइंट लिख लो। कंसिलिएशन इज यूज्ड इन रिजॉल्विंग एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स ओनली, एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स ओनली। तो देयर इज थ्री और फोर डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। पहला क्या, पहला ये कि आर्बिट्रेशन इज मोर फॉर्मल देन कंसिलिएशन। दूसरा, डिसीजन गिवन बाय आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज बाइंडिंग फोर्स अपॉन द पार्टीज। तीसरा, आर्बिट्रेशन में क्या होता है,
आर्बिट्रेशन मोड ऑफ एडीआर को हम यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग एज वेल एज फ्यूचर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने में, बशर्ते हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज ऐड कर सकते हैं कि इन केस ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट्स दोज डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन। लेकिन कंसिलिएशन में केवल एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स को ही रिजॉल्व कराया जा सकता है, ये कम फॉर्मल होता है आर्बिट्रेशन से। और जो कंसिलिएटर होता है उसका जो डिसीजन होता है, रिकमेंडेशन होता है, वो पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। और कंसिलिएटर कोई डिसीजन नहीं देता है आर्बिट्रेटर की जैसे, ये केवल पार्टीज़ को हेल्प करता है कि वो म्यूचुअली अग्रीड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स करें और अपने डिस्प्यूट्स को एक दूसरे के साथ मिल करके रिजॉल्व करा लें। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने कंसिलिएशन के मीनिंग को कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझा, तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलो आओ, क्या कर ले हो? मैं वीडियो बना रहा था। मैं वीडियो